Sorry, was busy in studying mechanism design for robotics. I am good. Just missing him. I know Nobita, तुम डोरेमोन को मिस करते हो, but I think it's time when you should move on. I can't. Why? जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे कैसे मूव ऑन कर जाऊँ? Well, how was your birthday? वो 5 months पहले था नोबिता. Sorry, मैं आ नहीं पाया. मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब था. मुझे लगा इस बार बर्थडे पे तुम्हें डोरेमोन का हाई गिफ्ट करूं. नोबिता, अगर डोरेमोन यहां होता तो वो तुम्हें इस तरह देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता. डोरेमोन यहां नहीं है शिजुका. Don't you miss me? Can I call you later? ट्रायल 857 भी फेल हुआ. नोबिता, तुम्हारा पार्सल आया है. पार्सल? सीडी किसने भेजी? Doraemon? Shizuka or me? Shizuka. जानता हूं मैंने बहुत वक्त लगा दिया, पर मैं आ रहा हूं शिजुका. हे नोबिता. हाय सुनियो. व्हाट्स अप बडी, कम इनसाइड. कम ऑन. हे, कितना टाइम हो गया यार, वे वर यू? मैं यहीं था यार. यहीं था? वेल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. कुछ अर्जेंट है सुनियो, मुझे बहुत ही जरूरी काम है. यार नोबिता, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो. हाँ मतलब अर्जेंट तो है बात, आखिरकार मेरी जिंदगी का सवाल है. मतलब ये कि मैं अपनी जिंदगी को आज प्रपोज करने जा रहा हूँ. बोताको की फ्रेंड? ये कौन है? यू लाइक्ड हर ना? अरे नहीं यार, मैं जिसे प्रपोज करने जा रहा हूँ वो थोड़ी स्पेशल है. वो क्यूट है, प्यारी है, और तुम तो उसे अच्छे से जानते भी हो यार.
शिजुका, आई थिंक वो मुझे पसंद करती है, और मैंने ये डायमंड रिंग स्पेशली लंदन से सिर्फ उसके लिए मंगाई है। कैसी है? अच्छी है। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी? खैर एक बार वो हाँ कर दे, कितने प्यारे लगेंगे ना शिजुका मिनीमाटो से, शिजुका होनेकावा, वाइफ ऑफ सुनियो होनेकावा, हाउ ब्यूटीफुल। हे नोबिता, तुम कहाँ खो जाते हो यार? अच्छा तुम्हें पता है जियान ने क्या किया? जियान, व्हाट डिड ही डू? बताऊंगा ना तो हंसी निकल जाएगी। जायको ने मुझे बताया कि जियान ने शिजुका को प्रपोज किया। कैन यू इमेजिन? जियान ऐसा क्या है जो तुम मुझे यहां लेके आए हो? शिजुका वो एक्चुअली मैं। जियान ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, प्लीज एक बार सुन लो। ये क्या है? इसमें एक सॉन्ग है जो मैंने गाया है। तुमने गाया है? हाँ शिजुका, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं तुमसे कह नहीं पाता हूँ, तो सोचा एक सॉन्ग बना दूँ। वेल मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरा म्यूजिक एक बड़ी कंपनी ने साइन कर लिया है। शिजुका कुछ कहना है तुमको, शिजुका मुझे पाना है तुमको, शिजुका प्लीज गुस्सा तुम ना हो क्योंकि मैं जियान। जियान जियान मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ जियान। मुझे लगता है कि वो कोई और, शायद मैं हूं। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, गिव मी लक, ऑल द बेस्ट, थैंक्स। सुनियो शिजुका को पसंद करता, मैं इनके रास्ते में नहीं आ सकता। आज फिर से एक पार्सल आया तुम्हारे नाम से, सोच रहा हूं तुमने पास्ट से भेजा है या फ्यूचर से, या तुमने भेजा ही नहीं है डोरेमोन। आई थिंक ये पास्ट फ्यूचर जैसा कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट नाउ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम इस वक्त मुझसे बात कर रहे होते डोरेमोन। तुम पास्ट या फ्यूचर से मेरे पास आ जाते और मुझे बताते कि हाउ टू डील विद दिस वर्ल्ड। I guess this is my destiny, Doraemon. हर नो मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा या नहीं। I guess I am late, Doraemon. I was late in everything, and now I'm late to propose the love of my life. Life is being hard, Doraemon. हेलो, क्या बोला उसने? वो जिसे पसंद करती है वो मैं नहीं था नोबिता। देखिए सुगी, हाँ नोबिता वो मैं नहीं था। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो डेकी सुगी के साथ है। मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। चल मैं बाद में बात करता हूँ, बाय।
कभी तो टाइम पे कहीं पहुंचा करो। क्या यार डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दे। ला माइक दे, मैं खुद ही गा लूंगा। आई लव माय फैंस। ठीक है कर देते हैं। अरे जियान उधर चलो, छोड़ो मुझे सोनियो। ये क्या कर रहे हो? मैं अपना दर्द बयां कर रहा हूँ। अरे जियान इतना दर्द मत बयां करो कि औरों को दर्द हो जाए, लोगों को प्रॉब्लम होती है यार। क्या? अरे जियान मेरे कहने का मतलब है कि क्यों करना है, कितना सही माहौल बना हुआ है, सब खुश हैं, तुम इसे बिगाड़ने में क्यों लगे हुए हो? अच्छे गाने गाओ ना प्यारे। ये तुम ठीक कह रहे हो सुनियो। और पता है तुम्हें, शिजुका के लिए डेकिसुगी ही सही लड़का है, समझो। हाँ सुनियो, शिजुका के लिए अच्छा लड़का डेकिसुगी ही है। वैसे भी वो मुझे अपना भाई मानती है, और एक भाई का काम है कि अपनी बहन की रक्षा करे। मेरे को सुनने में ये आया है कि तुम भी शिजुका को प्रपोज करने गए थे। नहीं जियान। वैसे तुमने नोबिता को कहीं देखा है? हाँ देखा तो था। वो रहा। हे नोबिता। हाय जियान, सुनियो। तुम डोरेमोन को भी साथ लाए हो? हाँ, इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हम सबके लिए पुराने दोस्त का होना भी तो जरूरी है ना। मुझे तो बचपन की याद आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। थैंक यू। आज हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, लेकिन एक शख्स है जिसके लिए ये दिन ज्यादा ही स्पेशल है। मिस्टर डेकिसुगी, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज? वो डेकिसुगी। तो कैसे हैं दूल्हे साहब, कैसा लग रहा है आपको? I'm nervous. Nervous? Nervous क्यों? Nervous तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने प्रपोज किया लेकिन जिनके हाथ कुछ नहीं लगा। Just kidding. वैसे शिजुका है ही इतनी खूबसूरत कि किसी को भी जलन हो जाए। हाँ क्यों नहीं। तो कहाँ है आपकी दुल्हन? शिजुका तुम जहां भी हो यहाँ आ जाओ। Can we call on stage the beautiful bride, Shizuka Minamoto? तो ऐसा है यार, हम 10 मिनट में वापस आएंगे और सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। Till then, you guys have fun. Hey, congrats. तो कैसा? Thank you. Congratulations. Excuse me. तो डेकिसुगी कहाँ जाने का प्लान है? Hey, Nobita. Hey, Bride. Thank you for coming. मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगे। ऐसे कैसे नहीं आता, जिससे प्यार करता हूँ उससे कैसे मूव ऑन कर जाऊं? तुम डोरेमोन को भी साथ लाए हो? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि कल जब डोरेमोन ठीक हो तो मुझसे कहे कि मैं उसे तुम्हारी वेडिंग में लेके नहीं आया। That's sweet, Nobita. तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? ये तो मैंने तुम्हें दिया था। तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। I guess this is the end. ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। I will never forget you, Nobita.
Of course. After all, I was your best friend. ठीक है सुखी सब गुड गाय, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? डोरेमोन है ना? डोरेमोन यहां नहीं है नोबिता। हे डोरेमोन, मुझे तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं, पर मुझे पता है तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। आज मेरी वेडिंग है एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर। हम सब बड़े हो गए हैं। आई मिस यू एंड योर गैजेट्स। मैंने तो अपना ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढ लिया है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज नोबिता का ख्याल रखना। डोरेमोन तुमसे बहुत प्यार करता है। आई थिंक वो तुमसे जितना प्यार करता है उतना किसी से भी नहीं करता। जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। अपना ख्याल रखना नोबिता। ओके बड़ी। बैक अगेन एवरीबॉडी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कम नियर बाय। सो मिस्टर डेकिसुगी, शिजुका की ब्राइड्समेड तो दिख रही है, लेकिन आपका बेस्ट मैन कहाँ है? मेरे ज्यादा दोस्त तो नहीं रहे हैं, पर आई फील नोबिता मेरा बेस्ट मैन है, राइट नोबिता? होस्ट साहब, इससे आगे बढ़ने से पहले मुझे शिजुका से कुछ कहना है जो मैं कब से कहना चाहता हूँ। कम ऑन डेकिसुगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कार्ड, मेरा बेस्ट मैन नोबिता पढ़े। मैं छोटा सा था तब से तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे साथ खेला हूं, बड़ा हुआ हूं, हर वो छोटे पल का मैं शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे मौका दिया कि मैं तुम्हें देख सकूं। तुम्हें जान सकूं। मैं स्कूल पढ़ने आया था, पर इस जिंदगी को मकसद तुमने दिया शिजुका। तुमने कभी सुबह की हवा को महसूस किया है? वो फ्रेश एयर, वो एनर्जी। तुम मेरे लिए वो सुबह की ठंडी हवा हो जो मेरी रूह को सुकून पहुंचाती है। There's a lot I want to say शिजुका, पर वही है ना, ये शब्द तुम्हें बयां ना कर पाए। We are going to be together forever. I am taking pledge to be loyal to you always. To love you so much every day. To be with you forever. तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा।
तुम्हारा अपना नोबिता। नोबिता कैसा लगा हमारा प्रैंक? कैसा लगा हमारा प्रैंक? कैमरा वाले हाथ हिला दीजिए। अब तुम्हारे पास तो वक्त है नहीं अपने प्यार को प्रपोज करने का, तो सोचा थोड़ा प्रैंक खेल के तुमसे ये सब करवा ले। लेकिन प्यार तो करते हो ना, ऐसा तो नहीं कि ये सब खराब हो गया। I always wanted to make my wedding special, पर मुझे पता था तुमसे तो ये होगा नहीं, तो क्यों ना मैं खुद ही से स्पेशल बना दूं। Sorry Nobita for this prank and everything, but yes, I love you. I love you so much, Shizuka. And I want to marry you. अरे कोई लंदन वाली डायमंड की रिंग तो लेके आओ। आओ आओ। हेलो, सुनियो फोन उठाओ। हेलो सुनियो, सुनियो मेरे को किसी ने किडनैप कर लिया यार, सुनियो मेरे को बचा ले। जियान, जियान क्या है? बचा ले यार मुझको, बचा ले। सुनियो सुनना यार, सुनियो मेरे को प्लीज बचा ले यार, आगे यार सुनियो, सुनियो मुझको बचा ले, सुनियो सुनियो बचा ले यार। देखी सुगी वहां है तो वेडिंग में कौन था? हाय गाइस, दिस इज दुष्यंत कपूर। और यार बड़ी मेहनत से इसको बनाया, इस एपिसोड को, जस्ट अ वेडिंग एपिसोड, एक 25 अक्टूबर को रिलीज करना था, हो नहीं पाया, हो जाती हैं। तो इसको प्लीज़ शेयर करना सभी के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा, बड़ी मेहनत से बनाया है। और अगर चाहते हो कि इसी तरीके से बनाते रहें कंटेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा लेना और सभी के साथ शेयर करना है। और ये 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने में क्या दिक्कत आ रही है यार, क्यों नहीं हो पा रहा भाई, क्या बात हो गई यार।